मौलाना बाज़ औक़ात आदमी जुमे के दिन फौत हो जाए या रमजान मुबारक के अंदर फौत हो जाए या मक्का और मदीना के अंदर फौत हो जाए तो उसको बड़ा मुबारक और बड़ा बख्शा हुआ कहते हैं, तो शरीयत इस्लामी में क्या जजा सजा में किसी मुकाम या दिन की वजह से कोई फर्क पड़ता है मौलाना? जुमा के दिन या मक्का के अंदर फौत हो गया या रमजान मुबारक के अंदर इंतकाल कर गया, तो उस हवाले से लोग यही बात कहते हैं। जी ठीक है, तो उस हवाले से लोग क्या जजाओ सजा के हवाले से कोई फर्क पड़ता है किसी दिन में फौत होना, किसी मुकद्दस मुकाम में फौत होना या किसी मुकद्दस महीने के अंदर किसी आदमी का इंतकाल कर जाना, क्या इसमें जजाओ सजा के हवाले से कोई कमी होती? मियां साहब ये चीजें तो बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो मैं बयान कर देता हूँ, मगर ये है सारी उन लोगों के लिए जिनका ईमान सही है, जिनके अमाल नेक, ईमान और अमले साले पहले मौजूद, उसके लिए फिर ये ना छूटे थोड़ी बहुत होती हैं। बिल्कुल ठीक है कि जुम्मा रात की रात को फौत हो या जुम्मा के दिन, तो फिर वो अजाब कब्र जो है ना उसका सवाल जवाब उससे माफी देती जाती है। और मक्का में जो फायदा इसके लिए कोई नहीं आया, मदीना का ठीक है कि जो मदीना में रहे, मरे नहीं कि ये सिर्फ गया और मर गया, मदीना में रहे, वहां की तंगी तुरशी बर्दाश्त करे, थाके आए तब भी सब्र करे, वहां की मुसीबतों से ना तंग आकर छोड़े ना शहर, तो उसका फरमाया कि जो फिर इन मसायब पर सब्र करके रहेगा मरेगा, मैं उसके लिए दिन क़यामत के सिफारशी और शहीद गवाह होऊंगा, उसके ईमान की गवाही दूंगा और साथ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, वो जुम्मा रात वगैरह की जो है ना वो तिरमिज़ी वगैरह में आती, तो ठीक है, मगर ये फायदे तो उसी को होंगे ना, जिसका अकीदा सही होगा अमाल भी ठीक होंगे। ये थोड़ी थोड़ी जो है ना रियायतें हैं, ये तो उनको फायदा दे सकती हैं, जो काफिर हैं मुशरिक हैं फासिक फाजिर बेदीन, उनको क्या फायदा होगा, वो जहां दी जाए मरें। अब लोग कहते हैं बकी में दफन हो गया, वो जन्नती हो गया, वो अब्दुल्ला बिन अबेर उसके साथ जो मुनाफिक थे वो कहां, सारे उसी कब्रस्तान में दफन है, और मेरा दफन नहीं, अल्लाह के रसूल ने जनाजा पढ़ा उसका, उसके मुंह में अपना लब मुबारक डाला, अपनी कमीज फैलाई, कुछ फायदा नहीं। इसलिए ईमान और अमले साले पहले ये शर्त पूरी करें, फिर ये सारी बातें आगे की जो ना ठीक, ये नरमियां मिल जाएंगी आप, ये रियायती नंबर जब बाद की बात, यानी उनके लिए होंगे जो नेक साले और अल्लाह की हदूद कायम करने वाले, वो कितने भी नेक हो आखिर कुछ ना कुछ कमियां कोताहियां होती हैं, उनके लिए ये रहते हैं। ठीक है।